हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ट्रिप टू ओडिशा के और एक नए ट्रैवल एपिसोड में। मैं सूर्यकांत आज आपको एक ऐसे मंदिर दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ जो कि पूरी प्रभु जगन्नाथ जी के मामा जी का घर कहा जाता है। ये मंदिर कटक और भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंदर मंदिर के बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। माधव मंदिर ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है। कटक और भुवनेश्वर से आपको नियाली के लिए बस मिल जाएगा। नियाली मार्केट से माधव मंदिर 6 किलोमीटर है। मंदिर में पूजा करने के लिए इस मार्केट से फूल और फल लेके जाइए, क्योंकि मंदिर के पास ये सब नहीं मिलता है। ये है माधव मंदिर के एंट्रेंस। सामने में दो सिंह के प्रतिमूर्ति है। ये मंदिर के अंदर का नजारा है। माधव मंदिर 13वीं शताब्दी का है और इसे पूर्वी गंग राजवंश द्वारा बनाया गया था। अब देखिए मंदिर के कुछ अनोखे नजारे। ये मंदिर ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इसमें सुंदर खुदाई का काम हुआ है। मंदिर के परिसर पे एक शिव मंदिर है। यहाँ बुद्धेश्वर के नाम से भगवान शिव पूजा पाते हैं। ये स्नान मंडप है। माधव मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के अनंत शयन के प्रतिछवि बनाया गया है। ये मंदिर के गर्भगृह है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये गरुड़ की मूर्ति है जो ब्लैक सैंडस्टोन में बनाया गया है। भगवान विष्णु यहाँ माधव के रूप में पूजा पाते हैं। यह हूँ द्वादश ख्रीष्टाब्दर मंदिर। ये मंदिर गंगवंशर राजा तृतीय अनेक भीमदेव करते आज की 860 वर्ष हम। पूरी जगन्नाथ जहाँ परंपरा नीतिगति जानी जात्रा इटि भी से ही अनुपात सब मान रही। झूलण जात्रा हुए, दोल, तापर चंदन, जेमती पूरी अद्यापति रही माधव सेवा पूजा से ही प्रकार सब जानी जात्रा से ही अनुपात रही।
ये मंदिर के रसोई का घर है। यहाँ प्रसाद पाने के लिए एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और हमारे वेबसाइट को विजिट करें। तो आप लोगों ने अभी नियाली माधव मंदिर देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे।